राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व और वहां जाने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। सरिस्का के रणथंभौर से एक नए टाइगर को शिफ्ट किया गया है। करीब 3.5 साल के इस बाघिन को ST 134 का नाम दिया गया है। सरिस्का आने के बाद इसे ST 30 का नाम दिया जाएगा। इसके आने के बाद सरिस्का में कुल बाघिन की संख्या 14 हो जाएगी, जबकि बाघों की संख्या की हम बात करें तो वो 8 है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इस बाघिन को दवा देकर बेहोश किया गया। इसके बाद वन विभाग के बड़े अधिकारियों की देखरेख में पूरी हिफाजत के साथ इसे सड़क मार्ग से सरिस्का लाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाली महिला पुरुषों के साथ ढोल बजाते हुए जमकर थिरके। असल में मुख्यमंत्री रामगढ़ जिले में अपने पैतृक आवास पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने लोगों के साथ ढोल बजाया, उनके साथ डांस किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सपरिवार के साथ महापर्व मनाने के लिए पैतृक आवास नेमरा गए थे, जहां उन्होंने रीति रिवाज से कुल देवता की पूजा अर्चना भी की। देखिए, अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामगढ़ झारखंड से तस्वीरें सामने आई है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से ढोल बजाते हुए सीएम नजर आ रहे हैं, लोग भी आसपास जमकर झूमे हैं। और जो दूसरी तस्वीर उस दौरान की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव पहुंचे थे।